नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो भूषण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। जैसे ही शनि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो लोग डर जाते हैं कि शनि यानी कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ पनौती है। लेकिन दोस्तों, आज हम शनि के बारे में डिटेल में जानेंगे कि शनि ग्रह एक्चुअली क्या है, उसके रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, हर एक चीज़ हम जानेंगे। सबसे पहले शनि जो है वो कुंभ और मकर, ये दो राशियों के वो स्वामी है, यानी 10 नंबर और 11वें नंबर, ये दो राशियों के वो स्वामी है। और शनि को एस्ट्रोलॉजी में एक बुजुर्ग ग्रह माना गया है। यानी बुजुर्ग ग्रह का अभी आप समझिए, आप उसे आपके घर के किसी बुजुर्ग के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, जिन्होंने जिंदगी को बहुत कुछ जाना है, जिन्होंने बहुत सारे इयर्स का एक्सपीरियंस किसी फील्ड में गेन किया है, उन्होंने बहुत सारे लाइफ में चढ़ाव उतार पाए, अनुभव किए हैं, और अब ये लोग दूसरी पीढ़ी को, सामने वाली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन करने के लिए परिपूर्ण है। तो शनि जो है वो ग्रह है जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका दिशा दर्शक है। फिर लोग इतना डरते क्यों है? देखिए, शनि की एक साढ़े साथी रहती है और जनरली बहुत सारे मीथ्स है। जैसे ही अभी मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं किसी को अगर कहता हूं कि आपकी साढ़े साथी चल रही है तो लोग डर जाते हैं कि पंडित जी अब उपाय बताइए। तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है। आज आप लिख के रखिए, साढ़े साथी आपके करियर का टर्निंग पॉइंट रह सकता है, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वो रह सकता है। अगर कोई इंसान उम्र के 40, 45 या 50 की एज में है तो डेफिनेटली उनको इसके पहले एक बार साढ़े साथी आके गई होगी। शनि हर एक राशि जो है वो 2.5 साल में परिवर्तन करता है, तो हर एक 30 साल के बाद शनि दोबारा उसी राशि में आता है। 12 राशियां है तो 12 गुना 2.5 साल अगर करते तो 30 साल के बाद शनि दोबारा वहाँ पर आता है। तो जिंदगी में किसी को भी कम से कम 2 बार तो साढ़े साथी का अनुभव होता है। तो जो भी लोग 45-50 की उम्र में हैं, उन्होंने एक बार साढ़े साथी का अनुभव किया होगा। आपका जो पिछला साढ़े साथी का टाइम था उसे जान लीजिए, डेफिनेटली आपके लिए वो पीरियड आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा होगा। अब बात करते हैं कि साढ़े साथी में एक्चुअली होता क्या है। साढ़े साथी यानी 7.5 साल का पीरियड है। चंद्रमा को साढ़े साथी लगती है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, उसे साढ़े साथी कही जाती है। तो जहां पे चंद्रमा बैठे हैं उस राशि में जब शनि आते हैं तो एक राशि पहले उस राशि में और एक राशि बाद में, इस तरह का 7.5 साल का वो पीरियड रहता है। तो 7.5 साल का डिवाइडेशन किस तरह होता है? पहले 2.5 साल में शनि जो है वो आपको आपके जीवन में जो भी चीजों का आपको घमंड है, गुरूर है, या जिन चीजों की वजह से आपको एक कंफर्ट या एक लग्जरी मिली है, वो पहले 2.5 साल में शनि आपसे छीन लेते हैं। अब आप कहोगे कि फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। पहले पूरा सुन लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी है जो बचपन से क्लास में फर्स्ट आता है, लेकिन वो जब 7.5 साथी का पीरियड आएगा तो वो फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड या थर्ड आएगा। और अक्सर हम देखते हैं, हम लोगों के बारे में कहते, नहीं यार वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। ये नहीं होता है कि वो स्टूडेंट जो है वो फेल नहीं हो जाएगा, लेकिन सेकंड या थर्ड आएगा। शनि उसे वो एहसास दिलाते हैं कि आपसे भी बेहतर कोई है इस दुनिया में, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, आपसे बेहतर और कोई है। वो एहसास जो है वो शनि फर्स्ट टाइम 7.5 साथी के पीरियड में उस विद्यार्थी को देते हैं। ऐसी कैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई ज्ञानी वक्ता है, उनको उस पीरियड में शनि एक सेटबैक दिखाते पहले 2.5 साल में।
उसके बाद के 2.5 साल में शनि ये सब चीजों से, मतलब इन चीजों को छीन लिया, अब इन चीजों के बगैर रहना सिखा देते हैं। आपके पास अब पैसा नहीं है, आपके पास अब घमेंड करने के लिए वो होशियारी नहीं है, इसके बगैर शनि आपको रहना सिखाते हैं। किस तरह सिखाते हैं? दूसरों लोगों, दूसरे जो लोग उनकी जिंदगी में झांक के आप देखते हो कि मैं तो सेकंड आया या थर्ड आया उसकी वजह से इतना नाराज हो गया हूँ, ये लोग तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं है फर्स्ट आने का, ये लोग तो मतलब बस पास होते आ रहे। उनका जिंदगी की तरफ देख के आपको जीवन जीने का आपका जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है। तो बीच के 2.5 साल में शनि आपको उसके बगैर रहना सिखाते हैं, और लास्ट के 2.5 साल में फिर शनि आपको वापस से सूत समेत, क्योंकि आप एक परिपक्व इंसान तब तक बन चुके रहते हैं और आपको आपकी ओरिजिनल कैपेसिटी के हिसाब से शनि वापस से सब चीजें लौटा देते हैं। तो बेसिकली 7.5 साल का ये जो पीरियड है वो इस तरह से डिवाइड किया हुआ रहता है। 7.5 साती में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत ग्रो करते हैं। मान लेते हैं कि जैसे ही 7.5 साती चालू होती तो पहला रिजल्ट जो आपको दिखता है, शनि आपके कंफर्ट जोन को ब्रेक कर देते हैं, कंफर्ट जोन जो है वो आपका खत्म कर देते हैं। मान लेते एक इंसान मुंबई में बैठा है, अच्छी जॉब कर रहा है, सडनली उसकी कंपनी उसे कहती है कि आप अहमदाबाद जाओ, साथों साथ शनि उसको मुंबई में जो उसकी सैलरी है शायद 1.5 गुना या 2 गुना सैलरी जो है वो कंपनी उसे ऑफर करती है। लेकिन होता क्या है कि हम जो है वो शनि जहां लेके जाना चाहता है हम जाते नहीं और फिर हमें तकलीफ होती है। अगर आप जाओगे तो बेसिकली उपाय क्या है, शनि आपको जिधर लेके जाना चाहते हैं उसके साथ जाइए, आपको तकलीफ नहीं होगी, अदरवाइज जाना तो पड़ेगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि शनि आपके लिए आपकी ये जॉब खा लेगा कि ठीक है फिर हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब दूसरी जॉब आपको वो अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन शनि का मतलब ये है कि शनि आपको आपकी ओरिजिनल कैपेसिटी दिखाना चाहता है। वो मुंबई से अहमदाबाद लेके जाएगा आपको, यहाँ पे 6 घंटे का आप जॉब करते वहां पे 10 घंटा काम करना पड़ेगा, साथों साथ आपको वो शनि 7.5 साल में ऐसी पोजीशन पे लेके जाता है जहां से आपको बाद में अगले 30 साल तक कोई हिला नहीं पाएगा। तो बेसिकली शनि जो आते हैं 7.5 साती का पीरियड वो एक करेक्शन फेज रहता है। छोटी छोटी चीजों में शनि करेक्शन करते हैं, आपको एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं। और एक चीज है, एक ढैया जिसे छोटी पनौती कहते हैं, तो एक बार शनि जब निकल जाते तो अगले 30 साल तक वहां पे वापस नहीं आते, तो करेक्शन बीच बीच में वापस होते रहते हैं। कब होते हैं? चंद्रमा से जब शनि चौथे घर में हो या चंद्रमा से जब शनि 8वें घर में हो। चौथे घर में जब शनि रहते हैं उसे कहते हैं कंटक शनि, और 8वें घर में जब शनि होते हैं उसे कहते हैं अष्टम शनि। अब जैसे अभी देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कंटक शनि ढैया चल रही है कंटक शनि की, क्योंकि वृश्चिक यानी 8 नंबर और अभी जो शनि चल रहे गोचर के वो कुंभ में चल रहे हैं यानी 11 नंबर, तो 8, 9, 10, 11, तो वहां से चंद्रमा से शनि चौथे घर में चल रहे हैं, यानी कि कंटक शनि की ढैया वृश्चिक राशि वालों को अभी चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि शनि एक 2.5 साल के पीरियड में वापस से और थोड़े करेक्शंस करते हैं। तो बेसिकली शनि जो है वो आपके दिशा दर्शक है, डरना बिल्कुल नहीं है। अब और कुछ चीजें, शनि जो है मेष में शनि नीच के रहते हैं, वही तुला में उच्च के रहते हैं। मेष यानी 1 नंबर, किसी की भी कुंडली में 1 नंबर जहां लिखा है वहां अगर शनि है तो शनि के रिजल्ट नेगेटिव रहते हैं। किसी की भी कुंडली में शनि अगर 7 नंबर लिखा है और वहां पे शनि है तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, और अगर तुला राशि वालों के लिए 7.5 साती का फेज आता है तो वो वहां पे शनि भगवान उस इंसान को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। लेकिन तरीका जो है वो दंडा मार के है, स्ट्रगल करवाते हैं, लेकिन आपको 7.5 साल के बाद रियलाइज होता है कि मैं कहां पे बैठा हुआ था, 7.5 साल में मैं कहां पे पहुंच गया हूं, वो 7.5 साल के बाद रियलाइज होता है।
लेकिन वो फेज स्ट्रगलिंग फेज जरूर रहता है, लेकिन डरना नहीं है। उपाय ये है कि शनि साढ़े सती के फेज में आपको जहां लेके जाना चाहते वहां जाइए, वो आपके साथ अच्छा ही करेंगे, न्याय करेंगे। अब और एक चीज है, जिन लोगों का भी शनि नीच अवस्था में या बुरे भाव में रहता है उन्हें कुछ ना कुछ पैरों की समस्या जरूर रहती है। इसकी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। जब रावण की पत्नी मंदोदरी गरोदर थी, उस समय रावण को ज्योतिष का बहुत ज्ञान था। रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि मेरे बच्चे का जन्म होने वाला है, आप अपनी अपनी उच्च पोजिशन पे चले जाइए। तब सभी ग्रह उच्च पोजीशन पे जाते हैं, शनि भी जाते हैं। रावण का डर था, रावण बहुत ज्ञानी भी था और शूरवीर भी था, सभी ग्रह उसके आदेश से चले गए। लेकिन शनि भगवान न्याय देवता थे, जन्म के वक्त पे उन्होंने अपनी दृष्टि खराब कर दी। शनि की तीसरी, सातवीं और दसवीं तीन दृष्टियां है, यानी शनि जहां बैठते वहां से तीसरे भाव को, सातवें भाव को और दसवें भाव को प्रभावित करते। शनि ने अपनी दृष्टि खराब कर दी। जब रावण के बच्चे का जन्म हुआ तो वो दीर्घायु नहीं हुआ और रावण को ये पता चल गई कि शनि ने अपनी दृष्टि खराब की थी। तो शनि को रावण ने शनि महाराज के पैरों पे वार किया और उसी की वजह से शनि भगवान की जो गति है वो स्लो हो गई। और शनि भगवान एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, इसीलिए किसी का भी शनि अगर कुंडली में खराब अवस्था में है तो उसे पैरों की कोई ना कोई समस्या जरूर रहती है। और ऐसा कहा जाता है कि शनि जहां बैठते हैं उस भाव को अच्छा करते हैं और जहां वो दृष्टि डालते हैं उस भाव को वो खराब करते हैं। तो दोस्तों, ये थी शनि के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ नॉलेज। इसके बाद से आपको शनि को डरना नहीं है, शनि भगवान आपके मार्गदर्शक है, उन्हें उस तरह से ही यूज करना है। शनिवार के दिन आपको तले हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए, शनि को जो चीजें प्रिय है उसका हमें दान करना चाहिए, उन चीजों का हमें भोगना नहीं चाहिए, तो शनि भगवान जो है वो आपके लिए अच्छे साबित होते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।